अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अर्शिया फ़ातिमा है। मैं 21 इयर्स की हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम सैयद किबरिया है। मेरी शादी होकर 3.5 साल हो रहा। उन्होंने 6 महीने थी मैं उनके पास। उसके बाद से मम्मी के पास ला के छोड़ दिया उन्होंने मेरे को, मार के करके छोड़ दिए। उनके तरफ से इन्फेक्शन भी आ गया था, तो इसी वजह से डॉक्टर बोले बच्चा नॉर्मल नहीं पैदा हो सकता बोले, तो उन्होंने लेके आके छोड़ दिया मेरे को यहाँ पे हमारे मम्मी के पास ही छूँ मैं। जब से आके पूछते ने करते ने, फिर लास्ट ईयर लेके गए थे, 3 महीने रखे गोल वो पूरा ले लेके करके अलग घर में लेके गए। लेके जाके बंद करके 3 दिन पूरा बंद कर देकर लॉक डाल देके चले गए। बच्चा सांस रोक लेता बोल के बोले तो मैं मार देता हूँ, मेरे से सवाल जवाब नहीं करना बोल के बोलो ना सवाल जवाब नहीं करना मेरे से, ना सेल फोन दिए ना कुछ दिए। फिर मैं बोली ऐसा कैसा रह सकती हूँ मैं बोल के बोले, तो मैं जैसा रह कर रहा हूँ वैसा रहना, नहीं तो नहीं रहना मेरे साथ बोल के बोले, तो मार देता हूँ मैं इस बात के ख़त्म कर देता हूँ बोले। तो फिर मम्मी को फ़ोन करके बुला ली मैं मम्मी को, तो रात में नहीं आना तुम्हारे मानू गार्डन नहीं है ये, जब बोले जब आने खाली सुबह में आके लेके जाओ बोलो बोलो। तो फिर सुबह में आके लेके गए लोग हमें को। फिर जब से यहीं छू फिर दूसरी शादी कर लेते वो है बोल के बोल रहे थे उन्हों, तो वहाँ जामिया को गए थे हम लोग। तो वहाँ पे हमारे बाबा को मारे करे, फिर खामोश बैठ के कंप्लेंट करे पीएस में, तो कंप्लेंट भी वापस करा दी उन्होंने, क्या करे कि कंप्लेंट भी क्लोज कर दिए बोल के बोल रहे लोग। फिर उसके बाद नोटिस भेजा है कोर्ट की, बच्चे को ले लेते बोल के बोल रहे हो, अब कस्टडी बच्चे की ले लेते बोल के बोल रहे। खामोश बैठ गए हम लोग, कुछ भी ऑप्शन ही नहीं है हम लोग के पास, तो खामोश बैठ गए। और खुला ले लो बोल के फोर्स कर रहे, तलाक नहीं दे सकते ना उन्होंने, इसीलिए खुला ले लो बोल के फोर्स करते जा रहे। खुला के पेपर्स भिजाए मेरे को, खुला ले लो बोल के फोर्स कर रहे ना, अगर खुला नहीं दिए तो मार देते घर पे आके बोल के बोल रहे हमारे मम्मी पापा को। पेपर्स लेके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जा रही हूँ, कोई भी कमिश्नर सब जने मेरा साथ दिए तो अच्छा है, नहीं तो आयशा के वैसा फिर मैं भी मर जाती हूँ। मेरे को इंसाफ होना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद किबरिया है, मैं पहाड़ी शरीफ का रहने वाला हूँ। अभी जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है मेरी बीवी की तरफ से, अर्शिया फातिमा नाम है उनका, ये बिल्कुल बेबुनियाद वीडियो है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि 3 दिन तक जो है मैं उनको घर में बंद रख के रखा, कैद रखा और उनके ऊपर टॉर्चर करा। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि मेरे आस पास पड़ोस में जो है पड़ोसी भी रहते हैं, उन लोगों को बात मालूम नहीं हुई। और ये बोल रहे हैं कि फ़ोन, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। फिर बाद में बोल रहे हैं कि फ़ोन करके मेरे वालदा को बुला ली मैं, दूसरे दिन सुबह में आए वो ले लेके गए मेरे को। जब मैं उनके ऊपर टॉर्चर करा, मारने की धमकी दिया या मारा उनको मैं, तो वो जब भी मेरे ऊपर कंप्लेंट कर सकते थे वो कंप्लेंट नहीं करे, क्योंकि मैं कुछ किया ही नहीं। वो उनको रहे घर पर जो है ना रहने का इरादा ही नहीं था। वो बोल रहे थे कि वालदा के घर पर लेके रखो मेरे को, मैं अलग, आप अलग रखो बोल के बोलने पर जो है मैं आपको अलग लेके रखा। उसके बाद जो है 2 दिन तक खुश थे वो। उसके बाद में तीसरे दिन से जो है ना मैं वालदा के नहीं रह जाएंगे, अपन वालदा के पास रह जाएंगे, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती बोल के टॉर्चर करना शुरू करें मेरे को, बहुत परेशान करें। उसके बाद में जो है ये बोल रहे हैं कि मैं उनको खुले के लिए फोर्स कर रहा हूँ, हालांकि खुले के लिए वो मेरे को फोर्स कर रहे हैं। मेरी कंप्लेंट जो है ना मैलारदे पीएस में जो है ना फर्स्ट टाइम कंप्लेंट करें, उसमें काउंसलिंग हुई मेरी। काउंसलिंग होने के बाद बेबुनियाद रहने की तरफ से वो केस रजिस्टर नहीं करें, वहाँ से जो है ना WPS को भेजे, वुमेन PS को भेजे, वहाँ पे भी काउंसलिंग हुई मेरी। वहाँ WPS से भरोसा सेंटर को भेजे, भरोसा सेंटर पे 2 मरतबा काउंसलिंग हुई, तो लड़की का ये कहना था कि मेरे को खुला चाहिए, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, यही कहना था उनका। अगर मेरे को छोड़ना रहता तो मैं 3.5 साल से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कई सारे तकलीफ़ात आए, बहुत सारे टॉर्चर करे वो लोग, मेरे को जिल्लत का सामना करना पड़ा। बाप को बहुत तकलीफ दिए सो है, उसके बावजूद भी जो है ना मैं मेरी औलाद के खातिर, बच्चे के खातिर जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी जो है ना कोर्ट में ये अप्लाई करा सो हूँ मैं उनको कि आइए, मैं RCR के लिए अप्लाई करा सो हूँ, आइए मेरे साथ जिंदगी गुजारिए। तो वो कोर्ट में भी काउंसलिंग चल रही है अभी, कोर्ट में भी वो उनका यही कहना है कि मैं नहीं रह सकती इनके साथ, मेरे को डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहा। अभी जो बच्ची बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है, जबान बच्ची की है लेकिन इसके पीछे गाइड करने वाले कोई और है, बच्ची का माइंड फ्रेश कर दिया सो है। हमारी लाइफ बिल्कुल बेहतर लाइफ थी हमारी, अभी भी इंशाल्लाह
हम अगर मिलकर रहेंगे तो बेहतर जिंदगी गुजारने की उम्मीद है इंशाल्लाह। जी मैं उनके साथ जिंदगी गुजारना चाह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल बेबुनियाद है, अभी बताया ना मैं आपको, प्रूफ्स बताया ना इसके, मैं RCR के लिए जो है अप्लाई करा सा हूँ कोर्ट में, आके मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, कोई इरादा नहीं है उनको छोड़ने से, हम तीन की जिंदगी खराब होने वाली, हम दो नहीं है तीन है, इसमें जो है मेरा बच्चा भी इन्वॉल्व है, मेरे बच्चे की लाइफ खराब होने के पूरे चांसेस है। मैं कानून से अपील करता हूँ कि हमारी तरफ भी देखिए, क्योंकि हर लड़की कानून जो है लड़की के फेवर में रहने की तरफ से हर लड़की शेयर हो रही है, हम लड़के क्या करेंगे, लड़के भी सुसाइड करना क्या, कानून के आंख जब खुलेंगे कि ये औरतों का जुल्म जो है ना बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मेरा छोटा भाई जो है ना शादी करने के लिए डर रहा है, एक भाई की ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब मेरा क्या होएगा, ऐसी मेरे दोस्त अहबाब भी जो है ना मेरी ज़िंदगी के तरफ से इबरत हासिल करे, वो डर रहे हैं निकाह करने के लिए। मैं अपील करता हूँ सदर मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से कि मेरी औलाद से, मेरी बीवी से मेरे को मिला दीजिए, और कानून से भी अपील करता हूँ कि दोनों तरफ से जो है ना दोनों तरफ से काउंसलिंग करके मेरी बीवी के जहन में जितना भी जो माइंड फ्रेश करे हैं उसको दूर करके मेरे से मेरी बीवी को मिला दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पहाड़ी शरीफ में रहने वाले हैं हम, मेरे किबरिया की वालदा हूँ मैं, मेरी बहू और मेरा पोता, मेरा बच्चा एक साल है, तो हमारे उससे बेहतर ज़िंदगी कुछ नहीं है। आज तक हम इंतज़ार करें 3.5 साल से मेरे बच्चे की ज़िंदगी बनना बोल के, मेरे बच्चे को कोई और रास्ता नहीं अपनाए हम, हमारे बच्चा और हमारी बहू हमारा पोतरा तीनों मिलकर रहना बोल के हम ये कोशिश पे जारी है। अल्लाह जानने वाले हैं हमारी परेशानी को परवरदिगार, ये मसला अब दुनिया के हाथ में है, आप लोगों से गुजारिश है जो अकबर अवैसी साहब, असदुल्लाह अवैसी साहब जो भी बड़े हैं आप लोग इंसाफ करिए हमारे बच्चे के वास्ते, ऐसा जो बच्चों के साथ जो बच्चियां जो कर रहे हरकत, बच्चे क्या करना आखिर ज़िंदगी में, बोल शादियां करके अच्छी ज़िंदगी जीना या नहीं, बच्चियों का चच्छा चल रहा बोल के हर कोई बच्चियों के साथ ही दे रहे, बच्चे किधर जाना, बच्चों की ज़िंदगी ऐसी हराम ज़िंदगी हो जा रही, हराम मौत मर रहे, उनका कोई उनका वजूद नहीं सर का हो रहा, बच्चों के ऊपर बहुत कुछ साथ दे रहे, बच्चों को कौन साथ देना, आजकल बच्चों के लिए दुआ करने का हो गया था, मेरे बच्चे के ऐसे इंसाफ करिए बस।